हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ऑर्गेनिक हर्बेस्ट की डायमंड शाइन एंड ग्लो फेशियल किट का रिव्यू। जैसे कि आप लोगों को पता है कि ये फेशियल किट मुझे अप्रैल फैब बैग में मिला एंड मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं इसका रिव्यू शेयर करूंगी, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ इसका लाइव डेमो। एंड इट इज़ बेसिकली अ 30-मिनट मेक ओवर होम सैलून फेशियल किट एंड इट इज़ अ डायमंड शाइन एंड ग्लो फेशियल किट एंड ऑर्गेनिक हर्बेस्ट इज डेफिनेटली एन ऑर्गेनिक ब्रांड। ये पैराबेन फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे टोटल 6 सैशे दिया गया है एंड हर एक सैशे के ऊपर इसका क्या नेम है ये दिया गया है, जैसे कि क्लींजिंग, फेस स्क्रब, मसाज क्रीम, फेस मास्क, सीरम एंड सनस्क्रीन। तो जैसे कि ये नाइट टाइम है सो आई एम स्किपिंग दिस स्टेप, जो लास्ट स्टेप है सनस्क्रीन, ये मैं यूज़ नहीं करूँगी, ये मैं रख दूंगी और फिर कभी यूज़ करूँगी। एंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इस 5 सैशे का जो रिव्यू है वो। एंड आप देख लीजिए यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है, इट्स 295 एंड ये एक्सपायरी डेट भी दिया हुआ है 2020 का है। एंड हर एक जो सैशे है इसके पीछे इसका यूजेज दिया हुआ है कि कैसे यूज़ करना है एंड क्या क्या है, इंग्रीडियंट्स भी दिया हुआ है एंड इट इज़ ऑल्सो रिटन एज इट इज़ फ्री ऑफ पैराबेन, मिनरल ऑयल, पेबा एंड एनिमल इंग्रीडियंट्स। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इसका लाइव डेमो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया विद द हेल्प ऑफ गुड वाइब्स फोमिंग फेस वॉश, जो कि काफ़ी बढ़िया है। उसके बाद मुझे चाहिए एक मिरर, एक स्प्रे वाटर एंड एक कॉटन क्लॉथ। सो आई एम स्टार्टिंग विद द क्लींजिंग मिल्क विच इज़ द नंबर 1 स्टेप। तो इसको मेरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है और 5 मिनट तक अच्छी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है एंड आफ्टर 5 मिनट्स आई जस्ट नीड टू वाइप इट आउट विद अ वेट कॉटन क्लॉथ। तो ये मेरा मसाज हो चुका है और मैं इसको अभी रिमूव करूंगी विद द हेल्प ऑफ वेट कॉटन क्लॉथ एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई द स्टेप 2, दैट इज एक्सफोलिएटिंग फेस स्क्रब। और इसको भी सेम तरह से 5 मिनट तक फेस में अच्छे तरह से मसाज करना है एंड उसके बाद वाइप आउट करना है विद द हेल्प ऑफ अ वेट कॉटन क्लॉथ। एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू अप्लाई स्टेप 3, मसाज क्रीम। इसको 10 मिनट तक अच्छे तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में मसाज करना है एंड उसके बाद वेट कॉटन क्लॉथ से रिमूव करना है। एंड नाउ इट्स टाइम टू अप्लाई फेस मास्क, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इसको अप्लाई करने के बाद 10 मिनट तक छोड़ देना पड़ेगा एंड आफ्टर 10 मिनट्स आई नीड टू रिमूव इट एंड आई एम नाउ गोइंग टू अप्लाई द लास्ट स्टेप, दैट इज फेस सीरम एंड द फेशियल इज डन। सो गाइस, माय फेशियल इज डन एंड यू कैन सी माय फेस इज फीलिंग वेरी सॉफ्ट राइट नाउ। सॉफ्ट तो हुआ ही है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा क्लीन भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा क्लियर लग रहा है एंड यू कैन सी आई डोंट वेयर एनी मेकअप राइट नाउ, इवन आई डोंट वेयर काजल। और जब मैं काजल यूज़ नहीं करती हूँ तो मेरा फेस बहुत ज़्यादा सिक दिखने लगता है एंड यू नो द टाइम इज 2 AM राइट नाउ एंड आई रियली नीड टू स्लीप। बट उसके पहले मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आई एम हाईली रिकमेंडिंग दिस फेशियल किट बिकॉज मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत सारा फेशियल किट यूज़ की हूँ लेकिन यूज़ करने के टाइम में मुझे कोई भी जलन या कोई भी बर्निंग सेंसेशन ऐसा कुछ भी फील नहीं हुआ एंड मुझे लग रहा है कि रियली इट गिव्स अ गुड ग्लो टू माई फेस, यू कैन सी इट एज वेल। एंड समर के टाइम में घर बैठे फेशियल करना बहुत ही मतलब अच्छा बात है एंड इट्स प्राइस इज ऑल्सो वेरी अफोर्डेबल, 295 है। सो डेफिनेटली आई एम रिकमेंडिंग दिस फेशियल किट टू ऑल ऑफ यू एंड इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज हिट द लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू ऑन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव एंड बाय।